लोकतंत्र के लिए नेता चुनने की जो प्रक्रिया चुनी गई है क्या वो सही है? क्या इससे जनता का भला हो रहा है? क्या चुनाव के द्वारा सही व्यक्ति चुने जाते हैं? क्या भारत के भीतरी इलाकों में रहने वाले गरीब व्यक्तियों को इससे फायदा हो रहा है? ऐसे में क्या लोकतंत्र पर हमें गर्व करना चाहिए? निर्देशक अमित मसूरकर और लेखक मयंक तिवारी ने इन बातों पर अपनी फिल्म न्यूटन के जरिए कड़ा प्रहार किया है। फिल्म का नाम न्यूटन क्यों है? नूतन कुमार को अपना यह नाम पसंद नहीं है, इसलिए वह नू को न्यू और तन को टन बनाकर न्यूटन कुमार बन जाता है। सरकारी नौकरी लगती है और उसे छत्तीसगढ़ में नक्सली प्रभावित सुदूर एक गांव में चुनाव अधिकारी बनाकर भेजा जाता है। न्यूटन बेहद ईमानदार और आदर्शवादी है। चुनाव की प्रक्रिया पर उसका पूरा विश्वास है और वह निष्पक्ष चुनाव करवाना चाहता है। हेलीकॉप्टर के जरिए उसे जंगल में पहुंचाया जाता है, जहां से वह सैनिकों और अपने साथियों लोकनाथ और मालको के साथ 8 किलोमीटर पैदल चलकर एक खस्ता हाल स्कूल में पहुंचता है, जहां पर वोट डाले जाने हैं। 76 आदिवासियों के लिए यह मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां कदम कदम पर खतरा है। चुनाव प्रक्रिया की हकीकत धीरे धीरे न्यूटन को समझ आने लगती है और उसके आदर्श चकनाचूर होने लगते हैं। जब वह आदिवासियों की हालत देखता है तो उसका दिल पसीज उठता है। इन आदिवासियों का महज वोट के लिए उपयोग किया जा रहा है और चुनाव के बाद उन्हें भुला दिया जाएगा। न्यूटन कुमार एक आदिवासी को बोलता है कि आप वोट दीजिए ताकि आपकी हालत बदल जाएगी, सड़क बिजली अस्पताल आपको मिलेंगे, लेकिन हर बार वह आदिवासी जवाब देता है कि कुछ नहीं बदलेगा। फिल्म में आदिवासियों के जो दबे कुचले निराश शोषित चेहरे दिखाए हैं वो आपको दहला देते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं कि भारत की बड़ी आबादी को अभी भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और आजादी के वर्षों बाद भी यह हालत है। फिल्म सवाल करती है, लेकिन न्यूटन कुमार जैसे लोगों के जरिए आशा का साथ भी नहीं छोड़ती। न्यूटन कुमार ईमानदारी और मुस्तैदी से अपने काम में जुटा हुआ है और उसे विश्वास है कि एक दिन सब कुछ बदलेगा। फिल्म की ताकत इसके रियल लोकेशन है। शहरी चकाचौंध से दूर यह ऐसे भारत में ले जाती है जिसकी कई लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। मकान, हॉल, जंगल, स्कूल सभी फिल्म में अपनी तीखी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अतुल मसूरकर ने फिल्म को हल्का फुल्का रखा है और चुनाव प्रक्रिया के जरिए कई अनकही बातों को कहा है। न्यूटन कुमार और आत्मा सिंह की नोकझोंक दिलचस्प है और आपको हंसने का मौका देती है। फिल्म की गति कुछ जगह दिक्कत देती है, खासतौर पर जब चुनाव करवाने के लिए जंगल में सभी किरदार पैदल जाते हैं। ये यात्रा बहुत लंबी हो जाती है। तकनीकी रूप से भी फिल्म थोड़ी कमजोर है। सिनेमाटोग्राफी का स्तर बहुत ऊंचा नहीं है। ईमानदारी के अवार्ड में सबसे ज्यादा बेईमानी होती है और वर्दी में विनम्रता भी धमकी लगती है, जैसे उम्दा संवाद सुनने को मिलते हैं। राजकुमार राव लगातार अपने अभिनय से चौंकाते रहे हैं और एक बार फिर उनका अभिनय बेहतरीन रहा है। न्यूटन कुमार की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा उनके अभिनय से झलकती है। रघुवीर यादव मजे हुए कलाकार हैं और लंबे समय बाद फिल्म में नजर आए हैं। पंकज त्रिपाठी का अभिनय शानदार है। आत्मा सिंह के रूप में रोबिले ऑफिसर में वे खूब जमे हैं। उम्दा कलाकारों के बीच अंजलि पाटिल अपनी छाप छोड़ती है। न्यूटन जरूर देखना चाहिए। इस फिल्म को मैं 5 में से 4 स्टार देता हूँ।